जी बहुत सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग आप सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के शानदार पैनल पर। और हर दिन की तरह से एक नया दिन हमें मिला है सीखने का और 1% आगे बढ़ने का, जैसे कि पैनल हमें मौका देता ही है कि हर दिन 1% सीख करके आगे बढ़ने का, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख करके हम यहाँ पे बहुत कुछ नया यहाँ पे डेली करने का हम प्रयास करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसे कि अभी सर बात कर ही रहे थे कि यहाँ पर हम जानते हैं कि आज हमारा 31st का डे है, यानी कि साल का आखिरी दिन है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज आखिरी सेशन 2023 का लेने का मौका, यानी कि आपके बीच में कुछ बातें रखने का मौका मुझे मिल रहा है। तो इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जैसे कि सर बात कर ही रहे थे कि कहीं ना कहीं हमने पीछे से एक्सपीरियंस से बहुत कुछ चीज़ सीखी होंगी और अभी नए के लिए हम एक्साइटेड होंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या है कि हम जब किसी भी काम को करते हैं तो पहले हमें एक चीज़ चेक करनी चाहिए कि क्या हम ओपन माइंडेड हैं, मतलब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए क्या हम रेडी हैं, रिसीविंग मोड में हैं। तो आप एक फ़ोटो देख पा रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक बाल्टी जो कि सीधी है, और एक बाल्टी सीधी है उसमें टैप खुला हुआ है, पानी लगातार उसके अंदर भरने का काम हो रहा है, यानी कि वो बाल्टी तैयार है कुछ रिसीव करने के लिए क्योंकि वो एकदम सीधी रखी हुई है। और एक बाल्टी आप देख पा रहे हो कि पानी तो वहाँ भी चल रहा है लेकिन वो रिसीविंग मोड में नहीं है, वो उल्टी पड़ी है। तो आप देखते हैं कि अगर वो रिसीविंग मोड में कोई भी चीज़ें ना हो तो क्या वो कोई 1% छोड़िए वो कोई बहुत बड़ा काम उसके साथ नहीं हो पाता, वो बहुत ज़्यादा सीख नहीं पाती। तो इसी प्रकार इस पैनल पे आज हम लोग जो बैठे हैं, अभी स्टार्ट हुआ ये सेशन, तो क्या हम सीधी बाल्टी के रूप में हैं या फिर आज कहीं ना कहीं हम अभी यहाँ जो बैठे हैं वो उल्टी बाल्टी के रूप में, यानी हम ओपन माइंड करके बैठे हैं या फिर अभी क्लोज ही है, अभी हमारा सिर्फ वही बात चल रही है जो रात को सोते वक्त चल रही थी। या हो सकता है कि अभी आपके दाएं बाएं कोई टीवी हो ना, हो सकता है कोई आपके पास बैठ कर कोई आपसे बात भी कर रहा होगा, आप उनसे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ किसी भी चीज़ की जब हम शुरुआत करते हैं वो भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो सबसे पहले हमें अपने आप को चेक करना है क्या हम ओपन माइंडेड हैं, मतलब क्या हमने अभी जिस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, जो चीज़ हमें आगे चल के बेनिफिट देने वाली है, उसको अगर सीखा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है, ये हमें पता है, लेकिन क्या हम उसके लिए अपने माइंड को ओपन करके बैठे। तो सबसे पहली चीज आपको और हमको ये चेक करने की जरूरत है इस पैनल पर, ये पैनल हमें 10 से 15 मिनट, 20 मिनट जो भी मौका देता है आगे बढ़ने का, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है इस पैनल को। तो क्या इस पैनल के टाइमिंग ऑन रहने तक क्या हम अपने आप को सीधा रख सकते हैं, क्या हम रिसीविंग मोड में रह सकते हैं, जैसे कि सर हमेशा बात करते हैं कि हम इस पैनल पे आते हैं तो आने के बाद पहले तो हमें अपना ऑडियो चेक करना है, वीडियो ऑन रखनी है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है हमें ओपन माइंड की तरफ लेके जाती है, वरना तो आप जानते ही हैं कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हमारे दाएं बाएं चली रही होंगी कि अगर हम वीडियो करके अगर लेते हैं तो आप और हम सिर्फ अटेंडेंस लगाने पर्पज से ही रह जाते हैं। तो इसीलिए हमें जीवन में भी ऐसे ही रखना होता है, अपने आप को ओपन रखना होता है। आप किसी भी ट्रेनिंग मीटिंग में जाते हैं, किसी भी चीज़ों में आप इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, तो हमें वहाँ पर भी चेक करना होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि खाली हम अटेंडेंस के लिए वहाँ पर हम लोग बैठे। तो इस पैनल पर अटेंडेंस नहीं है, हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे के एक्सपीरियंस सीख करके आगे बढ़ने के लिए। तो ये आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है, जैसे कि सर ने बताया कि संकल्प होना बहुत जरूरी है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो रिजोल्यूशन 2024, तो अब हम 2024 में एंटर कर रहे हैं और आप देखते हैं कि आज इसका लास्ट डे है 2023 का, लगभग आप और हम तैयारी भी कर रहे होंगे किसी न किसी रूप में 2024 की। लेकिन देखिए अभी जैसे सर बता भी रहे कि बहुत से लोग तो अपना शाम की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत से लोग चाहेंगे जो खंभे की तैयारी कर रहे होंगे, कोई व्यक्ति ऐसा भी तो होगा कि भाई नया साल आ रहा है कुछ नया जश्न होना चाहिए, पार्टी होनी चाहिए। तो हर व्यक्ति अपने तरीके से कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ की तैयारी में लगा है, लेकिन दोस्त क्या हम आज क्या हमने सोचा इस बारे में कि हमारा जीवन जो कि आप जानते हैं बहुत अच्छा या बहुत एक तरह ऐसे माहौल में नहीं है जिसको हम बहुत अच्छा मान सकते हैं, आज बहुत स्ट्रगल है, बहुत लाइफ में दिक्कतें हैं, आज हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, हमारे पास टाइम फ्रीडम नहीं है, आज हमारे पास परिवार की सुरक्षा भी नहीं है, देखा जाए तो मान सम्मान से लेके देश विदेश की यात्रा है जो कि हम किस बिजनेस के अंदर जानते हैं, तो वो भी चीज़ें तो नहीं है हमारे पास। क्या हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या हमने कोई ऐसा संकल्प लिया है? तो आज उसी पे बात करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक है वो है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ 2024। और ये हम अगर दिन जो हमारा डे कल का वन पहला दिन है, अगर उससे पहले हम तैयारी कर लेते हैं, यानी कि वो कहावत आती है कि टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन, अगर आप बारिश होने से पहले छाते का इंतजाम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बारिश कोई एक बूंद भी गीला नहीं होता, वो व्यक्ति अगर छाता लेके चलता है।
ऐसे ही यहाँ पर भी जीवन में हमें छाते का इंतजाम करना है, यानी कि प्री प्लानिंग करनी, कुछ संकल्प करने हैं, क्योंकि डेयर टू ड्रीम, हमें एक कहीं ना कहीं अब उन चीजों पे काम करना पड़ेगा जो हमारे सपनों की ओर हमें लेके जाती है, और प्लान टू अचीव, और हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर सिस्टम में आने के बाद हमने एक चीज सीखी है कि प्लानिंग वन डे बिफोर, एक दिन पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी हम यहाँ पे छलांग लगा रहे हैं 2023 से 24 की ओर, तो क्या हम अपने सपनों को और मॉडिफाई करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, कुछ एक कदम आगे बढ़ते हुए, क्या हम कुछ ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि जो हमें स्पेशल फील करा सके कि जो 2023 में हुआ है उससे कुछ बेहतर 2024 में हो। यानी कुछ ना कुछ तो प्लानिंग में हमें एडवांस वर्जन गियर बदलना पड़ेगा, और गियर किस चीज में, अपनी मेहनत में भी गियर बदलना पड़ेगा, अपने काम करने के तरीके में गियर बदलना पड़ेगा, अपने सोचने के तरीके में गियर बदलना पड़ेगा, और अपनी प्लानिंग जो अब तक हम करते आए हैं, डेली प्लानिंग करते हैं, लेकिन क्या वो प्लानिंग हमारी इफेक्टिव है, इसमें भी हमें गियर बदलना पड़ेगा। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो हमें तैयारी ऐसी रखनी पड़ेगी, ऐसा रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा, ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा जो हमारे 2024 को बेस्ट बना सके। नहीं तो दोस्त, जैसा 2023 गया, हो सकता है 2024 भी जा सकता है अगर वैसे ही करते आए। और एक लाइन सुनी हम कि जो करते आए हैं यदि वही करते रहे तो दोस्त जो मिलता आया है वही मिलता रहेगा। तो इसलिए कुछ अलग चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो एक अलग सोच रख के आगे काम को शुरुआत करनी पड़ेगी। और आज का जो दिन है वो कल से बेहतर होने का दिन है। अपने दिमाग में हमेशा हमें एक बात रखनी पड़ेगी कि अगर हम कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, तो हर दिन हमें मौका देता है कुछ नया बड़ा करने। सुबह तो सभी की होती है, लेकिन क्या दमदार सुबह सभी की बन पाती है? नहीं बन पाती होगी। एक बंदे से, एक व्यक्ति से किसी ने पूछा कि साहब आप सुबह क्यों उठते हो? बोला यार दुनिया में सारे सुबह उठते हैं, मैं भी सुबह उठता हूँ। बोला बहुत बढ़िया। तो बोले यार तुम जॉब पे क्यों जाते हो? बोले यार सब लोग अपना पेट भरने के लिए, जो दिनचर्या चलाने के लिए और पालन पोषण करने के लिए परिवार का ड्यूटी जाते हैं, इसलिए मैं भी जाता हूँ। यानी ना उसका सुबह उठने में कोई ज्यादा एक्साइटमेंट है, कोई विजन है, ना उसका जॉब में जाने का कोई पर्पस क्लियर है। उसको क्या लगता है कि सब लोग अपनी दिनचर्या, यानी कि अपने पेट पूजा, यानी कि अपना घर परिवार चलाने के लिए अगर वो पैसा कमाने जा रहे हैं तो यार मैं भी सिर्फ उसी ले जा रहा हूँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग भी कहीं भीड़ चाल का, या भीड़ भीड़ चाल का हिस्सा है? तो हमें एक्साइटेड रहना पड़ेगा, कम से कम हम उन लोगों से तो अलग हैं जो अभी भी कंबल में सोए होंगे सिर्फ ये सोच करके कि यार संडे तो है और क्या करेंगे, संडे को क्या करते हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा सोते हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा एंजॉय करते हैं, यानी कि संडे का दिन रेस्ट का दिन, छुट्टी का दिन। लेकिन हम लोग अगर यहाँ बैठे हैं, अपनी थोड़ा सा 2 घंटे की नींद को त्याग कर, अपने से थोड़ा सा आराम को त्याग करके, तो कहीं ना कहीं कुछ बेहतर होने के लिए बैठे। तो आप सभी ढेरों लोग ऐसे हैं, लकी लोग कह सकते हैं, कि जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए हैं और कहीं ना कहीं कुछ सीखते हुए कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही रहे हैं, कम से कम एक इतना तो अचीव कर ही रहे हैं कि बड़े एक अच्छे माहौल में हैं, अच्छे लोगों के बीच में हैं, अच्छे सोच आप अपना रहे हैं। तो यही सोच लेकर के हमें 2024 के अंदर एक रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा। और जिन्हें अपने काम से प्यार होता है उनकी सुबह हमेशा जल्दी होती है। तो आप इस पैनल पर हैं तो ये तो पक्की बात है, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ तो आप इस पैनल से उम्मीदें रखते हैं, और ये आप देख रहे हैं अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव होंगे, छोटे छोटे ही सही, लेकिन आप ऐसा चीज महसूस कर रहे होंगे कि इस पैनल से आपको और हमको लगाव तो हो गया होगा, तब तक आज इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत से लोगों का रीजन विजन क्लियर नहीं होगा तो उनको क्या लगता है आज आए कल नहीं आए, परसों आए परसों नहीं आए, तो इस तरीके से क्या अभी उनको प्यार नहीं हुआ, और जिस काम से हमें प्यार नहीं होता उस काम में हमें 1% भी ग्रोथ नहीं मिल सकता, बहुत बड़ा काम होना तो बहुत दूर है। तो इसीलिए हमें इस बिजनेस से भी उम्मीदें रखनी पड़ेंगी, इस बिजनेस से कहीं ना कहीं हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद मैं कहता हूँ कि इस बिजनेस के अलावा मिल नहीं सकती और, तो इसीलिए हमें इस पैनल से, इस बिजनेस से उम्मीदें बरकरार रखनी है, लगातार उसके ऊपर काम करना है। और एक चीज और है कि हम लोग जो बिजनेस के अंदर हैं, ये आज से पहले भी कि मजबूरियां देर रात तक जगाती थी, पहले भी ऐसा था कि परेशानियां घिरे रहते थे, पहले भी ऐसा था कि कहीं ना कहीं काम कम चलता था, पहले भी ऐसा था कि जो पैसे कम पहले कहीं से आ रहे होंगे, पहले भी ऐसा था सपने पूरे नहीं हो रहे होंगे। तो उस उधेड़ बुन में, उस उछल मतलब मन के अंदर जो कहते हैं वो आंधी चल रही थी, उसमें कहीं ना कहीं हमें नींद कहीं हो कई बार लेट आती, कई बार नहीं भी आती। तो लोग कहते हैं ना कि सर क्या बताऊं, परेशानी ऐसी है, रात को नींद भी नहीं आती है। तो इस तरीके की मजबूरियां हैं, कुछ परेशानियां जीवन। तो कहीं ना कहीं आज इस पैनल पे आने के बाद कम से कम इतना तो है कि आज एक जिम्मेदारी के रूप में हमें इस पैनल ने बहुत कुछ दिया है, और लगातार जैसे सर बोलते भी रहते हैं कि एक बार लगातार चेक कर सकते हैं आप, टीम को एक बार कॉल कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां यदि हम लेते हैं, और आप देखेंगे जिम्मेदार आदमी की सुबह हमेशा जल्दी मिलेगी,
और गैर जिम्मेदार आदमी तो 12 बजे तक सो जाएगा, 10 बजे तक सो जाएगा, उसके साथ जीवन में कुछ उसको लग ही नहीं रहा। उसको तो ये लग रहा है कि 31st आज दिसंबर है और अभी संडे भी है, तो सोने पे सुहागा है, आज तो फुल एकदम एंजॉय करके सोएंगे दिन में और शाम की तैयारी करेंगे आज पार्टी की। तो उसको कोई जिम्मेदारी थोड़ी है, उसके पास तो बस यही है कि खाना पूर्ति, ये लाइफ चल रही है। ठीक है, जनवरी एक हमेशा पहले भी आई थी 2023 की, अभी 24 की भी एक जनवरी आ जाएगी, तो बस वो यही है कि 31st को बेस्ट करना चाह रहा है, वो घूमना चाह रहा है, फिरना चाह रहा है, मस्ती करना चाह रहा है, तो कुछ खासा जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन यहाँ इस पैनल ने हमें कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारियां दी हैं जिसकी वजह से आज हमारी सुबह जल्दी होती है। और एक लाइन और हमने सुनी कि गरीब आदमी के पास क्या है खोने को, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र है चीज है, वो है गरीबी खोने को। तो उसके पास भी उसको पता है कि उसका अलार्म क्या है, उसका अलार्म कुछ और नहीं, उसकी अलार्म की जिम्मेदारियां हैं, उसकी ड्यूटी है, और उसकी सब कहीं ना कहीं कह सकते हो कि एक मजबूरी है कि अगर उसने काम नहीं किया उसको पता है भूखा मर सकता है। तो हमारे पास क्या है, हम कहीं ना कहीं भूखे नहीं है, हम पहले से कुछ ना कुछ खा कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। क्योंकि घर की जब जिम्मेदारी लेते थे जॉब में काम करते हुए, तो लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड समय है, ये सारी चीजें हम लोग कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेते हुए करते थे, लेकिन एक लिमिटेड पैसे तक काम करते थे। जिम्मेदारी कितनी सारी ले रहे हैं, बहुत सारी ले रहे हैं। तो इस पैनल में अनलिमिटेड पैसा है, इस बिजनेस में अनलिमिटेड पैसा है, और एक लिमिटेड समय के लिए मेहनत मांग रहा है आपसे, तो जिम्मेदारी यहाँ भी लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी यदि हम लेते हैं तो यहाँ से बहुत बड़ा काम हुआ है आज से पहले भी। अभी मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था सुबह सुबह, नई आई है अभी, हालांकि डायमंड पहले ही बन चुके हैं, महेश हैं ब्यावर के अंडे वाले, तो उनकी डॉक्यूमेंट्री अभी देख रहा था मैं, अभी नई नई आई, तो उनकी डॉक्यूमेंट्री देख करके कुछ समझ में आया कि हाँ वाकई कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो बदलाव की, जिम्मेदारियां ली। जब उन्होंने अंडे का ठेला लगाया लगाया करते थे तो उस समय परिवार सिर्फ इतना ही खुश रहता था कि सुबह जाएगा शाम तक तो कुछ लेके आएगा। तो उसके बाद जब उस व्यक्ति ने कुछ बड़े सपने देखने शुरू किए, तो कहीं ना कहीं वहां उसके पिताजी को लगा कि यार ये बात ना शायद मुंगेरी लाल के सपने जैसी है, ये होगा नहीं। तो उस व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली, यानी कि अपनी सफलता की जिम्मेदारी ली। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने सपनों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जिम्मेदार आदमी कहाँ मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा, इस पैनल पर मिलेगा। तो सुबह सुबह हमें अपने कुछ जिम्मेदारियां हमारे प्रति बनती हैं अपनी खुद की, और कहीं ना कहीं हम जो नेटवर्क की जो बात करते हैं उसको साथ में रख करके उसे कॉल करना है काम डेली। और यहाँ पर एक चीज और हमें सीखने को मिलती है कि नींद में इतना भी हमें नहीं खोना है, नींद से इतना भी प्यार नहीं करना कि मंजिले ख्वाब बन जाएं और उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य हमारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए। ऐसा नहीं, हर साल आपको मौका देता है, एक नया एक दिन पुराना जाता है नया दिन आता है, यानी 31st दिसंबर आपको लगातार हर साल के एंड में मिलता है और 1 जनवरी आपको हर साल की स्टार्टिंग में मिलती है। लेकिन हम इस बात से एक चीज सीख सकते हैं, 31st दिसंबर से लेके और नेक्स्ट 31st दिसंबर के बीच में, यानी एक पूरा एक साल जो हमें मिल रहा है, क्या उसके हमने लक्ष्य के लिए हम लोग भाग रहे हैं, क्या अपने लक्ष्य के लिए एक्साइटेड हैं? कहीं ऐसा तो नहीं 2023 जैसा गया, 2022 जैसा गया, 2021 जैसा गया, वैसे 2024 भी जाने वाला है, यानी वही 8 घंटे की जॉब है मात्र हमारे पास ले दे के और उसके पीछे ही भाग रहे हैं। उतना ही पैसा मिलने वाला जो पिछले साल की टर्नओवर थी जॉब से, जो पिछले से पिछले साल की टर्नओवर थी जॉब से, क्या उतना ही टर्नओवर हमारे इस साल में रहने वाला है? क्या हम उसके लिए एक्साइटेड हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए एक्साइटेड हैं, क्या हम कुछ एक्स्ट्रा देने के लिए एक्साइटेड हैं? तो यानी 2024 हमें पूरा मौका दे रहा है बहुत कुछ करने का, या फिर 2023 में जिस भावनाओं के साथ में हम फ्लिप शॉप में आए थे और जिस भावनाओं के साथ 2023 में हमने बिजनेस को किया, क्या उसी भावनाएं उसी फीलिंग से काम चलने वाला है? ये भी हमें सोचने की जरूरत है, ये भी संकल्प लेने की जरूरत है, और ये भी हमें उस पर मंथन करने की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी हमारे जीवन की, यानी हमारे अकाउंट, हमारा जीवन का अकाउंट के मुनि मुंशी हम ही, यानी डायरी पेन लेके कोई और नहीं बैठने वाला है अपने जीवन की गुणा और भाग लगाने के लिए। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस 2000 जैसा 23 गया है उसका आकलन आज करना है 2023 की आखिरी दिन में, और उसके लिए कुछ संकल्प करके अगले कल एंटर हमें 1 जनवरी 2024 में एंटर करना है। और जो संकल्प बन जाए, जो संकल्प कर लें उसको फिर पूरे साल एकदम उसके ऊपर अपडेट होते हुए काम कर, तो कहीं ना कहीं हमें अपने लक्ष्य वहां पे अचीव भी होंगे। जैसे कि सर बता भी रहे हैं कि ये 2024 2023 बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि इस 2023 में बहुत से लोग QAC हुई, ब्रॉन्ज बने, सिल्वर बने, है ना, प्लेटिनम बने, गोल्ड बने, और अपने ड्रीम लेवल तक पहुंचे, कुछ कुछ ड्रीम इनकम तक पहुंचे, जितने भी जिसने कमाया। लेकिन दोस्त बधाई हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं 2024 की अग्रिम पहले से, क्योंकि इस 2024 में बहुत से सिल्वर प्लेटिनम बनेंगे, बहुत से प्लेटिनम गोल्ड बनेंगे, यानी कि आप देखें 2024 की स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, मैं एंड की बात नहीं कर रहा, एंड में तो बहुत से लोग डायमंड बनेंगे। इसी पैनल पे जो कहते हैं कि अगर ये गोल्ड ने दबा के अच्छे से मेहनत कर ली
तो वो रेड क्लब में एंटर कर जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अभी पूरी ताकत के साथ में, पूरी एक नई ऊर्जा के साथ में, नई सोच के साथ में इस 2024 के अंदर वर्क करना है और कहीं ना कहीं इसको बेस्ट बनाना है। और आप अपने शरीर की जितना ज्यादा आप आराम देते हैं ना, ये शरीर बाकी ये साइंटिफिक है कि इस शरीर के ऊपर हम जितना ज्यादा आराम देते हैं इसको उतना आराम मांगता है, लेकिन जितना ज्यादा हम इसके ऊपर मेहनत करते हैं, इसको भट्टी में थपाते हैं ना, उतना ज्यादा ये कठोर बनता है। तो आप अपने शरीर में जितना ज्यादा आराम देते हैं उतना ही ज्यादा वो मांगेगा, और जितना उससे काम लेंगे उतना ही वो ज्यादा काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति कहता है, साहब मुझे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, और वही एक बंदा भट्टे पे काम करता है गांव में, जो ईंट के भट्टे होते हैं, सोच के देखिए टेम्परेचर क्या है, एक तो प्राकृतिक टेम्परेचर, ऊपर से वो भट्टे के यानी कि तपिश उसकी, तो सोचो वो लेबर कहाँ से लाया, उसकी चमड़ी के दुनिया में अलग है नहीं, एक ने तो भट्टे पे काम करके अपनी चमड़ी को मजबूत बना लिया, और एक आदमी ने एसी में रह रह के अपनी चमड़ी को ऐसा बना लिया कि अब उसको सूरज की रोशनी भी उसको भट्टे वाले लगने लग गई, यानी उसको बर्दाश्त ही नहीं होता। तो सो दोस्त यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हम डिपेंड करता है ये हमारे ऊपर, आज हम अपने शरीर को कैसा बनाएंगे। 2024 में अगर एंटर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें अपने शरीर को थोड़ा सा ऐसा बनाना पड़ेगा कि 2024 जैसी आपसे डिमांड कर रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, अगर आप सफलता की डिमांड करते हो भगवान से, परमात्मा से, तो परमात्मा भी आपसे डिमांड करता है कि तेरे को दे तो दू 2024 में ही तेरे को डायमंड शिप, लेकिन क्या तेरी चमड़ी इतनी मजबूत है जो झेल पाएगी, क्या तेरा को उतना 8 लाख रुपया दे तू महीने का, लेकिन क्या वो तेरे हाथ तैयार हैं लेने के लिए, बटोरने के लिए। तो अपने हाथों को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपने आप को जितना ज्यादा आप तकलीफ मांगते हो ना, हम मैं कॉलेज में जब पढ़ रहा था बीटेक में, 2008 से लेकर 12 का मेरा बैच था, तो मेरे को चेयरमैन साहब एक बात बोलते थे हमेशा, हमें काउंसलिंग एक सप्ताह में एक बार हमारे हॉस्टल में आते थे, और एक दिन एकदम माता पिता की तरह मिलते थे, और वो बोलते थे कि बेटा परमात्मा से एक चीज जरूर मांगना। तो वहां पर हम लोगों का क्वेश्चन ये रहता था, सर क्या मांगा जाए, क्या मांगना चाहिए, तो बोलते सर परमात्मा से ना हमेशा तकलीफ बहुत मांगना, क्योंकि जिस दिन थोड़ी तकलीफ आ रही होगी तो आपको लगता है कि यही मैक्सिमम है, बट एक अगर उससे ज्यादा आ गई तो आप परेशान हो। तो इसलिए भगवान से हमेशा एक चीज बोलना कि भगवान तकलीफें भेज, यानी मजबूती देती है तकलीफ, और जितना मैक्सिमम दे सकता है उतनी दे, क्योंकि आप अगर एक मैक्सिमम पीक पॉइंट, हमेशा परेशानियों की पीक पॉइंट देख लोगे ना, तो उस दिन आपको खांसी जुकाम बहुत छोटे लगने लगते हैं, जिस दिन आप परेशानियों के बहुत एक चरम सीमा देख लोगे तो उस दिन आपको बुखार कम लगने लगता है, और जिसको फिर उस दिन बुखार कम लगने लगेगा तो उस दिन वो बुखार में भी काम कर लेता है। ऐसा हमने देखा लेबर को, क्या लेबर को कभी खांसी जुकाम बुखार में देखा घर पे पड़े नहीं, वो उस समय काम कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है उसने समस्याएं क्या देखी है, सबसे बड़ी समस्या है गरीबी। उसने कहा है कि गरीब के पास गरीबी खोने को एकमात्र चीज है, उसके पास और कुछ है भी नहीं, तो उसको पता है कि अगर आदमी भागा तो जीवन भर गरीब रह जाऊंगा, गरीब का ही ठेग लगा के दुनिया चला जाऊंगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, वो एक्साइटेड है। 2023 में वो भी गरीब था, ठीक है साल के आखिरी तक मैं कुछ बड़ा पैसा कमा सकता हूँ, तो इसलिए वो अपनी मेहनत में और ज्यादा इजाफा कर रहा है, वो 8 घंटे की जगह 10 घंटे साइट पे काम करने को तैयार है। तो दोस्त सोच सकते हैं, एक लेबर से भी हम ये सीख सकते हैं कि अगर वो 2023 से निकल के 24 के लिए एक्साइटेड है तो हम क्यों नहीं एक्साइटेड हो सकते। तो हमारा जो मेन मुद्दा है, आज का जो मेन टॉपिक था, वो हमारा रेजोल्यूशन ऑफ 2024 है। तो कुछ पॉइंट है, हालांकि इसके अंदर बहुत पॉइंट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैंने 2-3 ही पॉइंट लिए हैं समय को देखते हुए। तो सबसे पहला पॉइंट है, क्योंकि हम यहाँ पर जो हर इंसान बैठा है वो कम से कम एक रेजोल्यूशन ले सकता है कि मैं आज से और अभी से हर दिन 15 मिनट एक किताब को दूंगा, एक चाहे एक पेज ही पढ़ेंगे डेली आप, अगर आप दिन का एक पेज पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना, एक ही पेज पढ़िए, क्योंकि शुरुआत हमेशा आप पहले कदम छोटे से करना चाहिए, तो छोटे से भी पहला कदम रखते हैं, लेकिन कंसिस्टेंस होना बहुत जरूरी, लगातार गिरना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग में हम एक लाइन पढ़ते हैं कि पानी की एक बूंद भी पत्थर पे छेद कर सकते हैं, लेकिन लगातार गिरने से, तो इसलिए फॉलोअप जारी रखते हैं, ये लाइन हमने ट्रेनिंग में सुनी। तो यहाँ पर भी हमें एक पेज डेली पढ़ना है लगातार उस बूंद की तरह, लेकिन लगातार लगातार अगर हम साल के जो 365 364 दिन मिले, तो 350 दिन हमें जो मिलते हैं साल के, अगर हम लगातार एक पेज पढ़ते हैं, सोच के देखिए आप कितनी किताबें साल भर में खत्म कर देंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो ज्यादा नहीं, 15 मिनट दीजिए, 15 मिनट में मुझे लगता है एक पेज पढ़ा जा सकता है, तो ये रेजोल्यूशन हमें जरूर करना है। फिर उसके बाद दूसरी हमें रेजोल्यूशन लेनी है, संकल्प लेना है कि बी द टॉप 5 सक्सेसफुल पीपल, उसके साथ उन 5 टॉप लोगों के साथ में हमें इस साल भर को बिताना है 2024 को, कि जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, और वो कौन है, वो आपका अपलाइन है। तो आपको अपने
अप्लायंस के साथ टच में रहना है, क्योंकि वो आपसे एक लेवल ऊपर हो सकता है, वो आपसे ज्ञान में भी थोड़ा ऊपर हो सकता है, आपसे पहले आया होगा। तो आपको बाहर समाज में वो 5 लोग नहीं ढूंढने, आपको इस सिस्टम के अंदर ही उन 5 लोगों के साथ में रहना है। तो वो आपके अपलाइन श्रेणी में हो सकते हैं, तो आपको उनके साथ रहना है क्योंकि आप वैसा बनना चाहते हो, वैसा रहना चाहते हो। ज्यादा नहीं, 2024 की बात कर रहा हूँ, 25 में क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। 2024 में अगर ऐसी कसम खा के काम करते हैं तो 2024 को बेस्ट बना सकते हैं। बिकम ए अर्ली राइजर, और सुबह क्यों उठना चाहिए मैंने आपको अभी बताया भी, और कुछ पिक्चर के माध्यम से अपने भी देखा भी कि सुबह क्यों उठना चाहिए, और आप जीवन में सफल कामयाब हो जाते हैं अगर आप सूरज को जगाना चालू कर दें। अगर सूरज आपको जगाएगा तो समझ लेना कि आप कामयाब नहीं हो सकते। ये एक स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल है, और ऐसा देखा भी गया है, बहुत सफल लीडर्स ने ऐसा बोला है, नेशनल इंटरनेशनल बहुत से लोगों के माध्यम से ऐसी बातें यहाँ पर हमने सुनी भी हैं, वीडियो में हो सकती है, किताबों में पढ़ी होंगी। और ये फैक्ट है कि जिसने सूरज को जगाना शुरू कर दिया, क्योंकि सूरज को जगाने का मतलब है अर्ली राइजर, सुबह जल्दी उठना, और जो आदमी जल्दी उठेगा वो पूरे दिन का शेड्यूल जरूर तय करेगा कि उसको आज क्या क्या करना है। और यानी कि आपको 1 घंटा 2 घंटा सुबह जो जल्दी मिलता है ना, तो उसमें व्यक्ति बैठ करके ताश तो खेलेगा नहीं, वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज के रूप में, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो वॉक के रूप में, कुछ ना कुछ वो एक शांत अपने मन को रखने के लिए छत पे टहलेगा, पार्क में टहलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा ही होगा, ऐड ऑन ही होगा। तो सूरज को जगाना चालू करना है, ये रेजोल्यूशन हमें, ये हमें प्रण लेना है, संकल्प लेना है। क्योंकि दोस्त अब तक 2023 में क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता, 2024 में कहीं ना कहीं हमें कुछ तो करना पड़ेगा, और कुछ नया जीवन चाहते हैं तो नया जीवन के लिए कुछ नई चीजें करना बहुत जरूरी है। और एक सक्सेस से हमेशा एक बात बोली कि डियर सक्सेस, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ, और जब तक मैं तुम्हें पानी लूंगा ना, तब तक मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। तो सफलता तो देखो हम सभी चाहते हैं, लेकिन क्या सफलता के लिए कीमत हम सभी चुकाते हैं? क्या लोग सफलता चाहते तो हैं दुनिया में सारे? आज भारत की अगर मैं बात करूँ तो 144 करोड़, 140 करोड़ की आबादी हो लगभग है, ठीक है, तो 140 144 करोड़ सारे लोग चाहते हैं सफल होना, सबको चाहिए मान सम्मान, सबको पैसा, सबको आर्थिक इजाजी, सबको, लेकिन क्या सारे लोग कीमत चुका देंगे? नहीं है, तो कभी नहीं होगा ऐसा। लेकिन ये हमें तय करना है, उन 144 करोड़ का हिस्सा हम और आप भी, तो हमें तय करना है सफलता हम चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चाहते हैं, बड़ा घर चाहते हैं, और इस साल में कुछ बड़ा देखना चाहते हैं। तो दोस्त क्या हम इस साल की जो थोड़ी 2025 की, 2024 की बात कर लेते हैं, क्या 2024 में हम कुछ एक्स्ट्रा, कुछ कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना के लिए तैयार हैं? क्या हम कहीं ना कहीं मान सम्मान जो चाह रहे हैं उस लेवल का, उस लेवल की क्या हम त्याग करने को तैयार हैं? 2024 में भी बर्थडे पार्टी टाइम से मनाई, 2023 में भी हमने शादी ब्याह टाइम से मनाया, 2023 में भी हमने सालगिरह साल टाइम से मनाई, लेकिन 2023 में जो किया तो किया, लेकिन क्या 2024 में जो चीजें हमें फास्ट चाहिए, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए रेजोल्यूशन ले रहे हैं यहाँ पर, क्या उसके लिए हम कुछ त्याग करने को तैयार हैं? क्या हम ये त्याग कर सकते हैं कि बर्थडे पार्टी कल भी मन जाएगी, पहले आज सफलता के लिए काम करना जरूरी है, शादी कल भी मन जाएगी, पहले हमें इस काम करना जरूरी है? क्योंकि भक्तुराम मीना सर एक बात बोलते हैं कि अपनी सगी साली की शादी में नहीं गया था, क्यों? क्योंकि सफलता पहले जरूरी थी, शादी तो बाद में भी हो जाएगी। किसकी? साली की तो हो गई, लेकिन खानदान में और शादियां आएंगी, वो भी टाइम से मनाई जाएंगी, लेकिन वो तो कब, जब एक वैल्यू बढ़ा के आप शादी में जाओ, वरना तो अगर वैल्यू घटाई हुई जैसी थी, वही नॉर्मल साला साली जीजा, वही अपना दामाद, वही बन के जाएंगे, वही मामा चाचा, तो दोस्त शादी में पति ले उठाएंगे टाइम से, और कुछ नहीं। तो इसीलिए अपने को पति ले नहीं उठाने, अपने को जगवार बीएमडब्ल्यू से जाना है, जिसके बाद आज आप ऐसा होते हुए देख रहे हो। आज क्या लगता है बत्तू सर रेंज रोवर लेके जो शादी ब्याह में जा रहे होंगे, क्या वहां पर जाते ही वो रेंज रोवर स्वागत जो व्यक्ति का, क्या उसको ये बात बोली जाती होगी उनको कि साहब अब एक काम करना, थोड़ा हाथ लगवाना, ये पतीला उठवा दो, बोलते होंगे क्या? क्योंकि उनके पास आज ऐसा स्टेटस मेंटेन है यार, उनके डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में शादी करने जाते हैं उस डिस्ट्रिक्ट में रेंज रोवर गिनी चुनी होती है, तो सोच के देखो स्टेटस कितना हाई हो गया। सही है, रिश्तेदार तो वही है, शादी तो वही है, सब कुछ वही है, लेकिन स्टेटस उठा के गए हैं, तो आज उनको कोई दूर तक भी ये बात नहीं बोल सकता। लेकिन दोस्त अगर जिस दिन अपने स्टेटस को हम जैसा था वैसे ही लेके जाते हैं ना, तो अपने को वही मिलेगा जो मिलता आया है, वही पतीलों में हाथ लगाना, वही टेंट खुलवाना, वही टेंट लगवाना, यानी कि वही छोटे छोटे काम हमें मिलते हैं, कोई बुरी भी नहीं है, लेकिन दोस्त कहीं ना कहीं स्टेटस उठाना है, ये एक चीज के बारे में जरूर सोच। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि देखिए, तरक्की और आराम कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, ये बात बिल्कुल सही है। तो जो 2023 में हमने कितनी तरक्की पाई, कितने आराम किए, कितना काम किया, आज उससे अपग्रेड होके और कुछ संकल्प लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी अगर तरक्की ज्यादा चाहते हैं तो आराम को त्यागना पड़ेगा, और थोड़ा सा हमें अपना
मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साथ रह ही नहीं सकते। वो कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो ये दोनों तलवार हैं, तरक्की और आराम। अभी दोनों तलवार आप देखें एक ही में जा ही नहीं सकती, तो इसलिए एक टाइम पे एक ही चाहिए। अगर आपको आराम चाहिए तो फिर तरक्की नहीं मिलेगी, और आपको तरक्की चाहिए तो फिर आराम नहीं मिलेगा। उसके बाद हमें एक ही बात समझ में आती है कि जो आज बात की जा रही है रिजोल्यूशन की, क्यों की जा रही है? क्योंकि बैरन बफे इस बात को बोलते हैं, जो कि दुनिया के महान इन्वेस्टर में से एक हैं। वो एक बात बोलते हैं कि एन इडियट, एक मूर्ख आदमी विद ए प्लान, जिस आदमी जो आदमी मूर्ख है, कम पढ़ा लिखा हो सकता है अपने आप को माने, या वो किसी भी रूप में अपने आप को मूर्ख माने, लेकिन अगर उसके पास प्लानिंग है ना, तो कैन बीट ए जीनियस विदाउट ए प्लान। उस जीनियस आदमी को हरा देगा जिसके पास प्लानिंग नहीं। तो 2024 की हमें बेहतर प्लानिंग करनी है, और इंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने 2024 को बेस्ट बनाने का संकल्प भी लेना है आज। ऐसा नहीं है कि आज 31st की इंजॉय के चक्कर में हम आज प्लान फॉलोअप ही ना करें, आज शाम को बढ़िया बनाने के लिए कोई प्लान फॉलोअप या प्लानिंग ही ना रखें। तो अपनी प्लानिंग उस हिसाब से कीजिए जो आप 31st को भी इंजॉय करें, और अपने कहीं ना कहीं पूरे दिन भर को भी आप वर्किंग के डे में एक तरीके से लें। और मुझे लगता है कि आज सोने पर सुहागा इसलिए भी है कि संडे है, तो भर भर के आज अपने गेस्ट को बैठा दीजिए, ये आपकी प्लानिंग में है। आज अपने भर भर के संडे सेमिनार के 2 घंटे को हिट कर लो यार, शाम को कुछ कितनी पार्टी करनी। तो सोच के देखो, संडे आपके लिए इतना बेहतरीन मौका लेके आया है कि आपका 31st डबल तरीके से धमाकेदार होने वाला है। कि शाम को तो आप इंजॉय करोगे ही करोगे, लेकिन आप दिन में भी धमाकेदार वर्क निकाल सकते हो, काम निकाल सकते हो अपने ज्यादा से ज्यादा गेस्ट को बैठा करके। तो ये आपकी प्लानिंग का हिस्सा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये बैरन बफे जी कह रहे हैं कि भाई साहब प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अब तक आप क्या समझते थे अपने आप को, क्या नहीं, जीनियस या मूर्ख, जो भी आप अपने आप को समझ रहे थे, लेकिन आप उस प्लानिंग का हिस्सा बन सकते हो, आप उस प्लानिंग को करके बेस्ट कर सकते हो आज के दिन। तो बधाई हो आप सभी को, और एक ही बात कहना चाहूंगा कि यू आर द सीईओ ऑफ योर लाइफ, आप अपने जीवन के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसा डिजाइन करना चाहोगे जीवन वैसा बनेगा, अभी डिपेंड आप पे करता है। आज का जो संडे है, इसको भी डिजाइन आपके माध्यम से ही होना है, यानी ये संडे भी जो धमाकेदार बनेगा, ये भी आपके माध्यम से ही बनेगा। अभी चाहे इसको ऐसे ही गवा दो, चाहे इसको हिट कर दो, जैसे अभी सर कह भी रहे थे 31st को यादगार बनाना है, तो आपके ऊपर है। या तो सिर्फ हमेशा की 31st की तरह खाना पीना एंजॉय, है ना, सिर्फ डांस वांस इसके तरीके जान दो जैसे जाता था, लेकिन आज जो संडे मिला है, 31st को कभी संडे नहीं हुआ है। आप कैलेंडर उठा के देख लो पीछे वाले, तो 31st को संडे नहीं हुआ, लेकिन आज संडे है, 31st भी। तो आज एक कुछ ऐसा मौका है आपके पास कुछ बड़ा करने का, आप भर के अपने गेस्ट पे फोकस करना है, एक्साइटेड रहना है कि भैया बहुत धमाकेदार दिन है आज, 31st प्लस संडे। तो बहुत बहुत बधाई आप सभी को, और 2024 की, नए साल की एडवांस में आपको शुभकामनाएं, और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो टाइम।